हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCube Tech YouTube चैनल। मैं हूं मर्तस्कीर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, एक नया कोर्स, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बेस्ड होगी हमारी गूगल टैग मैनेजर के ऊपर। सो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो, यहाँ पर बहुत बेसिक हम लोग बात करेंगे कि गूगल टैग मैनेजर क्या है, किस टाइप का ये प्लेटफॉर्म होता है, इसकी वेबसाइट किस तरीके की है, वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे किस काम आ सकता है एज डिजिटल मार्केटर, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और फिर आने वाले वीडियोस में इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसका डैशबोर्ड देखेंगे, उसके बाद किस तरीके से हम इसके अंदर टैग्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं, इवेंट्स वगैरह ट्रैक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखेंगे। सो ये प्लेलिस्ट, इसको पूरा आप लोग फॉलो करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि GTM किस तरीके से काम करता है और आपको एक अच्छी बेसिक और स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी GTM के बारे में। चलिए, जैसे कि नाम में है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, तो पहली बात तो ये गूगल का प्रोडक्ट है और फ्री है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा गूगल टैग मैनेजर टैग, सो इट्स एक्चुअली अ सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें पहले हम लोग समझते हैं टैग क्या होते हैं। सो अभी आप लोग जाते हैं जो एनालिटिक्स का हमारा इंस्टॉलेशन का कोड होता है, ठीक है, उसको हम लोग वेबसाइट पर अपनी इंप्लीमेंट करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम एनालिटिक्स में ट्रैक कर पाएं। हम लोगों ने एनालिटिक्स की सीरीज में बेसिक वे में इस चीज़ को तो समझा ही था कि किस तरीके से एनालिटिक्स का कोड होता है, उसको वेबसाइट पे लगाते हैं और उसके बाद वहां से वेबसाइट की जो डेटा है वो हमें एनालिटिक्स के हमारे डैशबोर्ड में, हमारे अकाउंट में मिलती है। सो वो जो कोड हम लोग लगाते हैं, जो स्निपेट है, जो स्निपेट ऑफ कोड है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टैग। सो अब इसको एक सिनेरियो लेके मानते हैं, सपोज करते हैं कि आपको बहुत सारी जो ऑडियंस आपके वेबसाइट के ऊपर आ रही है वो अलग अलग जगह से ऑडियंस आ रही होती है। कई बार हो सकता है कि वो फेसबुक से आ रही हो, कई बार हो सकता है वो ट्विटर से आ रही हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रही हो, वेबसाइट पे डायरेक्ट आ रही हो, तो इतनी सारी जब ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आती है उसको आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको ऐसे सोचते हैं कि उस ऑडियंस को हमें ट्रैक करना है, बट उस ऑडियंस को ट्रैक क्यों करते हैं, सपोज करते हैं उस ऑडियंस के बिहेवियर के ऊपर हमको फेसबुक में कोई ऐड चलाना है, या उस ऑडियंस के बिहेवियर के ऊपर हमको गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म से कोई ऐड चलाना है, उस ऑडियंस के बिहेवियर के ऊपर हमको लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐड चलाना है, राइट। हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी ऑडियंस आ रही है, उसके बिहेवियर के बेसिस पर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड चलाएंगे, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन हो पाए प्लेटफॉर्म्स का, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टैग्स जो फेसबुक से मिलता है, जैसे हमने कहा कि फेसबुक का पिक्सल है, तो वो हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हैं ताकि ये इंटीग्रेशन हो पाए और यहाँ से फेसबुक के एड्स मैनेजर तक हम डेटा को ले जा पाए, वहाँ फिर उसी ऑडियंस को हम ऐड दिखा सकें। सो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट रीमार्केटिंग का मान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल कॉन्सेप्ट रीमार्केटिंग का है और इस प्रोसेस को हम इस तरीके से करते हैं। सो अब ये बात तो समझ में आ गई कि जरूरी नहीं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर केवल एक ही एनालिटिक्स का कोड हो सकता है फेसबुक पिक्सल का हो सकता है लिंक्डइन से रिलेटेड टैग्स हो, कोड्स हो सकता है ट्विटर से रिलेटेड टैग्स हो, कोड्स हो, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कोड्स हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। सो ये इम्प्लीमेंटेशन एज डिजिटल मार्केटर आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। काफ़ी महंगा पड़ने का मतलब ये टेक्निकल चीज़ है जहाँ पर आपको वेबसाइट के कोड को एक्सेस करना होता है और आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर अपना टैग लगाएंगे तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से वो ट्रैक करता है, ये सारी चीज़ें। एज डिजिटल मार्केटर ये नॉलेज जनरली बहुत से लोगों को कम होती है, तो इस केस में गूगल का टैग मैनेजर हमारे लिए बहुत काम आता है। हम क्या कर सकते हैं, गूगल के टैग मैनेजर का कोड, जो गूगल का टैग मैनेजर है उसका जो हमें कोड मिल रहा है, इंस्टॉलेशन कोड मिल रहा है, उसको केवल अपनी वेबसाइट पर जाकर हम लोगों ने लगा दिया। अब उसको केवल लगा दिया जिससे हमारे पास गूगल टैग मैनेजर का एक बहुत अच्छा इंटरफेस, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव इंटरैक्टिव डैशबोर्ड हमारे पास आ गया। अब हमें जितने भी कोड्स लगाने, चाहे वो फेसबुक पिक्सल का हो, चाहे वो गूगल एड्स के रीमार्केटिंग का कोड हो यानी टैग हो, ठीक है, ट्विटर का हो, किसी भी चीज़ का, किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का टैग हो, ठीक है, जिसके थ्रू हम उस प्लेटफॉर्म तक या कहीं तक भी हम डेटा लाना चाहते हैं, उस कोड को हम ना अपनी वेबसाइट में लगा कर, यानी कि डायरेक्टली हम अपनी वेबसाइट में उस कोड को नहीं लगाएंगे बल्कि GTM के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है GTM के थ्रू, ठीक है। सो एज डिजिटल मार्केटर आपके लिए बहुत काम की चीज़ है GTM। और बेनिफिट क्या मिल सकते हैं हमें, हम यहाँ तक ये कंट्रोल कर सकते हैं बेसिक वे में कि किस तरीके से, जैसे कोई हमने एक टैग लगाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड होती है वो टैग फायर हो जाता है, ठीक है, वेबसाइट हमारी लोड हुई वो टैग भी फायर हो गया। अब जब टैग लोड होगा तो वेबसाइट की स्पीड वगैरह भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर वेबसाइट के ऊपर लोड होगा तो डेफिनेटली वेबसाइट की स्पीड पे थोड़ा बहुत फर्क आएगा।
अब गूगल टैग मैनेजर का यहाँ पर क्या रोल है कि आपने 10 टैग्स लगा दिए गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, अब आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वो टैग एक्चुअली किस वक्त फायर हो या वो टैग किस वक्त एक्टिव हो। तो अलग अलग आप इवेंट्स बना सकते हैं, उन इवेंट्स के बेसिस पर आप उसको वैल्यू देंगी कि कौन सा किस इवेंट के ऊपर कौन सा जो है हमारा टैग वो फायर होना चाहिए। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इन्हीं चीजों के लिए हमारा जो गूगल टैग मैनेजर का प्लेटफॉर्म है ये यूज होता है। बट यहां से अगर आपके लिए नोट करने वाली बात है तो वो ये है कि एक ये सेंट्रल टैग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, तो मैन्युअली हमें बार बार जो है अपनी वेबसाइट के कोड से छेड़खानी ना करनी पड़े, उसमें डायरेक्ट चेंजेस ना करने पड़े, इसलिए हमारे पास गूगल टैग मैनेजर का प्लेटफॉर्म है कि हम डायरेक्ट जो हमारे कोड्स हैं, जो हमारे स्निपेट्स हैं, जो हमारे ट्रैकिंग कोड्स हैं, उन सबको हम डायरेक्ट अपने GTM में गूगल टैग मैनेजर में इम्प्लीमेंट कर दें और वहीं से उनको कंट्रोल करें। राइट, सो ये एक तो इसकी बेसिक फाउंडेशन हो गई। और जो मैं अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो मैंने एक बेनिफिट्स आपको बताया स्पीड इंक्रीज करने का, ऊपर से अगर हम बात करें तो टीम कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा, यानी कि एक्सेस वगैरह आप अच्छे तरीके से दूसरे अपने टीममेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत सारे टैग्स जो हैं यहाँ पर टेम्पलेट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली जहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट होना है ये डायरेक्टली वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बहुत कुछ इसमें करने की आपको ज़रूरत नहीं, यानी कोडिंग लेवल पर बहुत ज़्यादा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आप इस टैग को लगा दें। ठीक है, सो ये बेसिक डिस्कशन हो गया कि गूगल टैग मैनेजर किस लिए काम आता है। अब आ जाते हैं इसके जो इसकी वेबसाइट है उसके ऊपर, देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ओवरव्यू, बेनिफिट्स, फीचर्स, कंपेरिजन, तो यही सारी चीज़ें हैं। हाउ टैग मैनेजमेंट सोल्यूशन कैन हेल्प इंक्रीज योर एजिलिटी, इंटीग्रेट इजिली, पुट योर माइंड एट ईज, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे यहाँ पर कोड्स हैं उनको कर देंगे। कोलैबोरेट अक्रॉस योर टीम, जो अभी मैं बता रहा था आपको, विद गूगल टैग मैनेजर इट्स अ मैटर ऑफ एन आवर टू सो फॉर्म एंड रिसीविंग अ टैग टू टेस्टिंग टू QA टू डिप्लॉयमेंट। राइट, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं इसमें। अभी आने वाली जो प्लेलिस्ट है या जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको ये सब बहुत इन डेप्थ मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड एक बार स्टैब्लिश हो जाए कि गूगल टैग मैनेजर में हम लोग क्या करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आपसे किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका कोड किस तरीके से दिखता है, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू हम गूगल टैग मैनेजर को इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और फिर आगे बात करेंगे डैशबोर्ड कैसे दिखता है और बाकी जो हमारे टैग्स हैं उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। सो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है, कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे आगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अ वेरी गुड बाय।